ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP एनिमल मैनेजमेंट में ऊंट का आवास जो हमने पढ़ा था, हाउसिंग फॉर कैमल, इसमें कुछ करेक्शन हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अंदर जब उसके कक्ष की ऊंचाई लेते हैं तो इसमें सही है, अच्छा लिखा हुआ है, ऊंट की नाक से हॉक जॉइंट। ऊंट की नाक से हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट कौन था? देखिए, पिछले पैर के आपने एनाटॉमी पढ़ ली है, हिप जॉइंट, स्टाइफल जॉइंट और हॉक जॉइंट। हॉक जॉइंट जो यूं पीछे, यूं गोड्डा मुड़ा हुआ पीछे की तरफ गया नहीं होता, उसका वो गोड्डे का कोना बैक साइड ले लो और उधर नाक, ये लंबाई ले लो इसकी, ये लंबाई। अब इसमें थोड़ा जो सही इसको करना था वो क्या करना है, इसमें ये माइनस जो 60 माइनस जो लिखा है ना, ये माइनस नहीं है, इसमें है जब पशु बैठा हो तो प्लस, इसमें जो आपने नाप लिया उसमें प्लस 60 या 120 सेंटीमीटर प्लस करना है, यानी कि 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 फुट या तो एक्स्ट्रा कर लो, 120 सेंटीमीटर का मतलब है 4 फुट एक्स्ट्रा कर लो। अब ये माइनस नहीं है, 60 माइनस 120 नहीं है, इसमें गलत लिखा हुआ था, तो ये 60 × 120 है, यानी कि 2 फुट से 4 फुट और एक्स्ट्रा रखना है, जो आपने नापा उससे 2 से 4 फुट एक्स्ट्रा। इसी तरह से जब खड़ा पशु जो है, खड़े पशु के क्या करना है, खड़े पशु है तो उसके क्या करना है, उसका जो हम्प है थुई, उससे लेके और जो पैर का पैड है, यानी कि पैर की हथेली तक, हथेली बोलेंगे क्या, पैड, तले तक आप उसको नाप ले लेंगे फुट पैड तक, और फिर उसके अंदर 60 या 120 सेंटीमीटर यानी प्लस करना है 2 फुट या 4 फुट, ये एक्चुअली इसकी, ये माइनस कुछ नहीं है, अब ये गलत लिखा हुआ था ये और माइनस ही बोल दिया गया, ये इसमें जो है वो सही करना था। अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में पशु आवास से संबंधित समस्याएं, तो एक है घरेलू उत्पाद का 8 नहीं है, ये 10% है, कर लें, बाकी लगभग 10, 30 और ये 40 ठीक है, दूध की उपलब्धता भी ठीक है, इसको 10% कर लें बस। अब हमने इसमें पढ़ लिया था ग्वाला दूध निकालने ते समय निम्न सावधानियां नहीं अपनाता है, तो दूध धोने की सही विधि नहीं अपनाता, दूध धोने से पहले हाथ साफ करता नहीं है, अगर ऐन को साफ नहीं कर रहा, तो ये सारे करने चाहिए। तो अब पांचवा है पशुशाला का वैज्ञानिक तरीके से निर्माण नहीं करना। इसका वैज्ञानिक तरीके से निर्माण करें तो इसे लाभ होता है। पशुशाला में नांद का वैज्ञानिक तरीके से उचित ऊंचाई पर निर्माण, सही नाप, पानी की खेड़ी का, पशुशाला की दीवारें अच्छे सामान की और चिकनी बनाएं ताकि अगर उन पे गोबर वगैरह पेशाब के छींटे लगें तो वो बड़ी आसानी से साफ हो जाएं, और अगर वो खुरदरी है दीवारें, यूं ही छोड़ दी जाती है तो जानवर रगड़ के उसमें अपने चमड़ी से खून भी निकाल सकता है। पशु के खड़े होने का स्थान खुरदरा नहीं होना चाहिए, इसके अभाव में पशु फिसल जाता है तथा चोटग्रस्त हो जाता है। पशु के खड़े होने का स्थान खुरदरा होना चाहिए, नहीं खुरदरा होना चाहिए, नहीं होना नहीं, खुरदरा होना चाहिए। अगर मान लो खुरदरा नहीं है तो स्लिप हो जाएगा वो, अब ये यहाँ इसने खुरदरा नहीं होना चाहिए, खुरदरा ही होना चाहिए खड़े होने का, अगर आपने बिल्कुल पैर में डाला स्लिप कर जाएगा उसमें, ये नहीं काटो इसमें। पशुशाला में बिजली की कमी, आजकल पशुशाला के यंत्र बिजली से संचालित होते हैं, जैसे मिल्किंग मशीन, चेफ कटिंग मशीन, कुत्तर वाली मशीन, बंटा बनाना, जैसे बंटा बनाने के लिए आजकल वही हीटर वगैरह उपयोग में लिए जाते हैं, गर्मियों में पानी के स्प्रिंकल, गर्मियों के अंदर पानी की स्प्रिंकल छिड़काव कहते हैं ना कि फुहारो, सर्दी में बचाव हेतु हीटर,
सफाई यंत्र, सिंह रोधक, ये सारे वहाँ पड़े होने चाहिए। इनके अभाव में मजदूरी अधिक लगती है तथा समय भी अधिक लगता है। पशुशाला की छत का निर्माण, पशुशाला पशुपालक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह उस पर छत का निर्माण नहीं करवाता। जो पशु गर्मियों से में अधिक गर्मी लगती है, सर्दियों में अधिक सर्दी, जिससे पशु तनाव में रहता है तथा पशुओं का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो इसमें आप में से जो लोग गुलाबे वाला डेयरी को देख के आए हैं, विजिट की हुई है, उनको पता है कि उन्होंने कैसे व्यवस्था कर रखी है स्प्रिंकलिंग की। उन्होंने जो है वो फुहारे लगा रखे हैं जो उसकी छत पे बाहर से आने वाली हवा को 4 से 5 डिग्री तक कम जो टेम्परेचर कर देते हैं। उस छत के नीचे जो जानवर हैं वो बाहर के वातावरण से 4 से 5 डिग्री कम उस पर टेम्परेचर पे रहते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस तरह का प्रबंध करना। तो उससे पशु सारा दिन बैठा आराम से जुगाली करता है और इजी फील करता है, तो दूध भी उत्पादन भी बढ़ता है। पशु आवासों के दोषों का निवारण, पशुओं के आवास का निर्माण जहाँ तक हो सके वैज्ञानिक तरीके से करें। उचित दिशा व उचित स्थान, उचित दिशा पूर्व पश्चिम, उचित निर्माण सामग्री का उपयोग, पशु गृहों में उचित नाप व माप जरूरी है। मेंजर नांद बनवाना, फर्श व खड़े रहने का स्थान, गंदे पानी की नाली का निकासी, दीवारों की उचित ऊंचाई व उचित सामग्री से चिकनी बनवाना, उचित सहायक अन्य आवासों का निर्माण जैसे प्रसव कक्ष, छोटे बच्चों का कक्ष, सूखी व गर्भित पशुओं का अलग अलग आवास, नर सांड रखने की अलग व्यवस्था, दाना चारा आदि के लिए उचित भंडारण कक्ष। पशु आवास ऐसे बनाएं कि कम समय में अधिक पशुओं को की देखरेख की जा सके, जैसे फेस टू फेस या टेल टू टेल। अब एक तो 10 पशु एक लाइन में खड़े हैं, आप उनको जांच करोगे, एक 5 इधर खड़े हैं, 5 इधर खड़े हैं, तो मूवमेंट करते ही आपने जांच कर ली। ये व्यवस्था पशु आवास में कृत्रिम पशु प्रजनन की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था रखें। पशु के उत्पादन, उनके लिए आहार की सामग्री आदि लाने ले जाने की यांत्रिक आवास पर व्यवस्था रखें। पशुशाला में उचित विछावन बेडिंग, ये बड़ा जरूरी है कि वो जो गीला है उसको बाहर जगह है वहाँ धूप में सुखाएं और बाहर से सूखा जो है वो पशुओं के नीचे डालें बेडिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे पशु इजी महसूस करता है और उत्पादन बढ़ता है। तथा उचित समय पर बदलना इसको, पशुशाला के सभी बर्तन उचित समय पर उचित कीटाणुनाशक से धोना, बीमार पशुओं का अलग से पशु कक्ष का बनाना तथा वहीं पर बीमार पशु को रखना। पशु आवासों में स्वच्छ नियमित व पर्याप्त पानी की उचित व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है ताकि पशु को समय पर इच्छा अनुसार साफ पानी मिले, पशुओं को नहलाया जा सके, बर्तनों व पशु गृह को समय पर धोया जा सके, गंदे पानी की नालियों आदि को साफ किया जा सके। पशुपालक यदि उक्त पशु आवास के दोषों का निवारण निराकरण उक्त बताए अनुसार कर दे तो निश्चित रूप से पशु स्वस्थ रहेंगे तथा उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे पशुपालक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये हमने आज इनके आवास अलग अलग से, मुर्गी को छोड़ के, क्योंकि मुर्गी के आवास जो है हम आगे पढ़ेंगे, हाउसिंग फॉर पोल्ट्री, ये हम आगे इसकी जो है वो स्टडी करेंगे। अभी एक पीछे इन्हें 230 पेज पर ये डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह से हमने इनको फार्म हाउस को जो है बनाना है, कवर्ड किस तरह से इनको रखना है, अलग अलग चैम्बर्स, और जो आपके वहाँ पे वर्कर होंगे उनके रहने के क्वार्टर्स किधर होने चाहिए, बीच में रोड है, लॉन दे रखा है,
इसके बाद अब ये चेफ कटर जहाँ लगाना है, ग्रेन्स के लिए गोदाम है, मिसलेनियस कोई गोदाम रखने के लिए चीज़ें हैं, फीडिंग ट्रफ हैं ये सामने जहाँ आप पशुओं को तुड़ी वगैरह या चारा वगैरह डालेंगे, अलग अलग ड्राई काउ के लिए है, फीमेल काफ्स के लिए, मेल काफ्स के लिए, बुल्स के लिए, हीफर्स के लिए, अलग अलग है। तो ये अच्छा इन्होंने एक डायग्राम स्केच किया हुआ है, तो इसको अपने देख भी सकते हैं ज़रूरत पड़े। तो आज ये हमने इसका ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा 13th, बच्चा देते समय और तत्पश्चात गाय की देखभाल करना, ये नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।